प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एनसीईआरटी के पेज वाइज आपको जाके बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। उससे पहले एक बात बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि कई बार ऐसे टॉपिक हैं जो कुछ आपके टीचर एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं या खुद वो डिलीट कर लेते हैं अपने आप स्कूल्स के, तो उनकी बात अलग है। अभी मैं जो एनसीईआरटी का जो आपका जो सीबीएसई ने आपको दे रखा है ऑफिशियली, वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज चलेंगे। पहले एक बार नजर डाल लेते हैं सिलेबस पे। तो चैप्टर 9 में लगभग सारी चीजें आपको पढ़नी है, चैप्टर 10 में आपको लगभग सारे टॉपिक जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वही लिखे हैं, लेकिन एक दो चीजें हैं जो आप छोड़ सकते हो, वो आपको चैप्टर में दिखाऊंगा अभी। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी लगभग सारा चीजें जो किताब में लिखी है वो यहाँ लिखी हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी एक पार्ट है जहां से कार्नोट इंजन, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, वो वाला पार्ट स्किप है, बाकी सारा दे रखा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी सारा पार्ट लगभग आपको दे रखा है। ऑसिलेशन में आपको डैम्पिंग वगैरह हटा रखी है, डैम्पिंग क्या होता है, फोर्स ऑसिलेशन, वो हटा रखा है। और वेव में आपका इंटरफेरेंस और डॉपलर इफेक्ट, ये दो हटा रखे हैं। ठीक है, तो अब हम एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, पेज वाइज आपको बताऊंगा। देखो, लगभग पहले चैप्टर में तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको पढ़नी थी। इस चैप्टर में आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपको ये सारा पास कर लो, सब कुछ पढ़ना है बेटा। यहाँ पे एक दो चीजें आप ये छोड़ सकते हो, जैसे स्पीड ऑफ एफ्लक्स, क्योंकि सिलेबस में लिखा है बर्नौली थ्योरम और वेरी सिंपल एग्जाम्पल, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल में से आता है टोरिसेली लॉ, जिसमें ये हम ये चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स किसी बर्तन से, आप टोरिसेली लॉ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे टोरिसेली लॉ पढ़ेंगे इसको, इतने वाले पार्ट को ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, वेंचुरी मीटर आपको नहीं पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सिंपल एग्जांपल पे नहीं है, लेकिन अगर आपके टीचर पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए। फिर यहां से आपको पढ़ना है इस टॉपिक से कि ये इसके एग्जाम्पल क्या है, बर्नौली थ्योरम के, एरोप्लेन का उड़ना, ये सब। ठीक है, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक, ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद बच्चों ये सारा आपको पढ़ना है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सब कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है इसकी। देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लगभग सारा करना है आपको, सारा ही करना है। इस चैप्टर में जो आपको नहीं करना है वो ये पार्ट है, यहां से देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के बाद साइक्लिक प्रोसेस हो गया, अब आया हीट इंजन। तो हीट इंजन से लेके आपको लास्ट तक जितना भी ये कार्नोट इंजन ये सब दे रखा है, ये नहीं पढ़ना। ठीक है, हाँ, अगर आपके टीचर ने पढ़ाया आपको तो भैया पढ़ लेना। ठीक है, और इसके क्वेश्चन है, देखो एक ये रहा सेवंथ क्वेश्चन और एट्थ क्वेश्चन और भैया टेंथ क्वेश्चन, एक्सरसाइज में बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, ये तीन क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको सारा पढ़ना है, मैं ऑसिलेशन की बात कर रहा हूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज सारा पढ़ना है। ऑसिलेशन में कौन कौन से टॉपिक है आपको वो बता देता हूँ जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो देखो यहां से शुरू करिए, हमने पहले पढ़ लिया, ये देखिए ये टॉपिक है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, यहां से शुरू होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, यहां के बाद ये सारा लास्ट तक कुछ भी नहीं पढ़ना बच्चों आपको। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन के क्वेश्चन भी नहीं करने, सिलेबस में डिलीटेड है। वेव, तो वेव में आपको जो नहीं पढ़ना बच्चों वो पार्ट है, अब देखो रिफ्लेक्शन, स्पीड ऑफ वेव, सुपर पोजिशन, सब पढ़ना है आपको। ठीक है, बस आपको जो नहीं पढ़ना वो बता देता हूं मैं, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ना बच्चों, ये रहा लास्ट 15.8, ये टॉपिक पूरा हटा देना, और साथ में फिर यहां पे कुछ क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट के, वो डिलीट कर देना एक्सरसाइज से। ठीक है, जैसे ये रहा 2021, ये दो क्वेश्चन नहीं करने, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ने, कौन से पढ़ने। और आपको एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज या बैच ज्वाइन करना है क्लास 11th का 12th का, तो आप हमारे ऐप के ऊपर आ सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। बाय बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।